हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको सेलबी एविएशन की तरफ से एक न्यू वैकेंसी लेके आ गया हूँ, जो कि ये आपका वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है और ये आपका बैंगलोर लोकेशन के लिए कंडक्ट होने वाला है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि ऐसी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जॉब रिलेटेड मिलते रहे जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी आपकी सेलबी एविएशन की तरफ से है, जो कि आपका वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है, जिसमें कि आपकी तीन पोजीशन के लिए हायरिंग होने वाली है। पहला आपका हैंडीमैन के लिए हायरिंग होने वाला है, दूसरा आपका ड्राइवर के लिए हायरिंग होने वाला है, एंड थर्ड आपकी जो हायरिंग होने वाली है वो है आपका हाउसकीपिंग एंड टेक्नीशियंस के लिए जो है, जो कि आप ITI जो है वो अगर आप किए गए हो तो भी इसमें आपकी हायरिंग होने वाली है। अगर मैं इसमें आपको फर्दर डिटेल्स बता दूं तो डेट जो रहने वाली है आपकी 11 जून को कंडक्ट होने वाली है, और टाइमिंग जो रहने वाली है सुबह आपको 9 बजे से जो है कि आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। और इसमें मैं आपको लोकेशन बता दूं तो ये है आपका श्रीवास गैलेक्सी होटल, दबली गेट, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड, बैंगलोर। तो ये जो है ये आपका वेन्यू का डिटेल्स है, तो ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दे दूंगा ताकि आप वहां से जाके भी जो है वो आप चेक कर सकते हैं और आपको कुछ भी मिस कम्युनिकेशन जो है वो आपको ना हो। इसके बाद अगर मैं फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं तो आपको बैंगलोर में जो आप रहते तो आपको हिंदी और इंग्लिश तो लैंग्वेज आनी ही चाहिए, रिटन एज वेल एज स्पोकन आपका होना चाहिए। बट अगर आप बैंगलोर में रह रहे हैं तो आपको बैंगलोर का भी लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आना चाहिए, और अगर कोई बात करे तो उसको आपको समझ में जो है वो आपको आना चाहिए। फिर अगर आप ड्राइवर्स के लिए जो है वो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। और अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके पास 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो आपके पास होने चाहिए विथ व्हाइट बैकग्राउंड, एंड 80% जूम जो है वो आपके पास होना चाहिए, एंड पासपोर्ट जो है वो आपका 2021 के बाद जो है वो इशू जो है वो आपका होना चाहिए, और आपके पास अपडेटेड रिज्यूम भी जो है वो आपके पास होना चाहिए। फिर आपका गुड फिजिकल फिटनेस जो है वो आपके पास होना चाहिए, ये क्योंकि आप जो है अगर आप सेलेक्टेड होते तो उसके बाद आप मेडिकल राउंड के लिए भी जाते हैं, तो इसमें आपको जो है वो आपको मेडिकल गुड फैसिलिटी जो है वो आपको प्रोवाइड करना है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर अगर मैं आपका एजुकेशनल के लिए बता दूं तो अगर आप टेक्नीशियंस के लिए जा रहे हैं तो इसमें आप ITI एंड डिप्लोमा जो है वो आपका मैंडेटरी होगा, एंड ये सिर्फ है जो कि आप टेक्नीशियंस के लिए ही जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बेनिफिट्स बता दूं कि क्या क्या इस पे आपको बेनिफिट्स मिलेगी, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन, एनुअल बोनस और जो बेस्ट सैलरी होती है इन द इंडस्ट्री मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपको प्रोवाइड की जाएगी। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो आपको वहाँ पे राउंड द चेक इन एवरी शिफ्ट, तो वो आपको जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। फिर आपको ESIC जो मेडिकल फैसिलिटी होती है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, PF यानी प्रोविडेंट फंड जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, गारंटीड एनुअल बोनस जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, एनुअल इंक्रीज जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें मैं अगर आपका वॉकिंग डे बता दूं तो 4 डेज वॉकिंग आपका रहेगा, एंड 3 डेज जो है वो आपका ऑफ पैटर्न जो है ये सिर्फ UH एंड ड्राइवर्स, जैसे जो ड्राइवर्स के पोस्ट पर और हैंडीमैन के पोस्ट पर जा रहे हैं तो ये सिर्फ उन्हीं पे एप्लीकेबल होगा कि उन्हें सिर्फ 4 दिन काम करना है 1 वीक में, और 3 दिन जो है वो उनका छुट्टी रहेगा। तो आई होप कि इसमें मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी, फिर भी इसमें आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि ऐसे ही जो अपडेट इन्फॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जो अपडेटेड मिलते रहे जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।